हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स यूनिवर्स ट्वेंटी एट और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है ग्राउंड वॉल्स इनक्वालिटी ठीक है इस वीडियो में हम इस इनक्वालिटी की स्टेटमेंट और प्रूफ और दोनों देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं एफ टी एंड जी टी बी टू नॉन नेगेटिव कॉन्टीन्यूस फंक्शन यहाँ पर एफ टी एंड जी टी है जो दो नॉन नेगेटिव कॉन्टीन्यूस फंक्शन दिए गए हैं फोर टी ग्रेटर देन इजिकल टू टी नॉट के लिए एंड के कोई भी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है ओके okay? जो के है वो नॉन नेगेटिव कॉन्सटेंट है तो हमारे पास यदि ये वाली इनक्वालिटी एफ टी लेस देन इजिकल टू के टाइम्स के सॉरी के प्लस टी नॉट टू टी इंटीग्रेशन जी एस एफ एस डी एस यदि ये फर्स्ट इनक्वालिटी होल्ड करती है तो हमने प्रूव करना है कि ये सेकेंड इनक्वालिटी एफ टी लेस देन इजकल टू के इन टू एक्सपोनशियल ऑफ टी नॉट टू टी जी एस टी एस फोर टी ग्रेटर टू टी नोट के लिए ये सेकेंड इनक्वाली होल्ड करेगी ओके okay? तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं प्रूफ के लिए हमने क्या किया सबसे पहले जो फर्स्ट इनक्वाली थी उसकी ये लेस देन के बाद वाली जो टर्म थी उसको हमने कैपिटल ऑफ एफ टी सपोज कर लिया लेट एफ टी इजल टू के प्लस टी नॉट टू टी जी एस एफ एस टी एस फोर टी ग्रेटर टू टी नॉट के लिए अब जो हमारे पास कैपिटल एफ़ टी की वैल्यू है जे ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि हमको दिया गया है कि जे के है नॉन नेगेटिव है और ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ओके यदि हम इसका डेरिवेटिव लें एफ टी का तो एफ टी टी क्या आएगा ये आएगा जी टी एफ टी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है के तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और यदि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जी टी और एफ टी बच जाएगा तो हमने इसको नंबर स्टार मान लिया एंड यदि हम एफ़ टी फंक्शन की वैल्यू टी नोट पर फाइंड करें तो वो क्या आएगी एफ ऑफ टी नोट की के वैल्यू आएगी क्योंकि यदि टी की जगह टी नोट रखा तो यहाँ पर टी नोट आ जाएगा और ये दोनों इंटीग्रेशन टी नोट से टी नोट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास एफ टी नोट की वैल्यू के आ जाएगी ठीक है इसको हमने डबल स्टार मान लिया ओके एंड यहाँ से हमको पता है कि कैपिटल एफ़ टी की वैल्यू नॉन जीरो है फोर्टी ग्रेडर एन इक्वल टू टी नॉट के लिए तो हम फ्रॉम द इनक्वालिटी वन जो इनक्वालिटी वन थी ये वाली तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं एफ टी ओवर ये वाली सारी टर्म को इस तरफ डिवाइड कर दिया ओके इस तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या बने एफ टी ओवर के प्लस टी नॉट टू टी जी एस एफ एस टी एस लेस दैन इजिकल टू वन ओके इससे आ गया लेकिन इसको तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये तो कैपिटल एफ टी है तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी एफ टी ओवर कैपिटल ऑफ कैपिटल एफ टी लेसन इक्वल टू वन ठीक है अब हमको दिया है कि सिंस जी टी इज़ नॉन नेगेटिव कॉन्टीन्यूस फंक्शन है नॉन नेगेटिव कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो हमने दोनों तरफ जी टी से मल्टीप्लाई कर दिया एफ टी जी टी और एफ टी लेस देन इक्वल टू जी टी ओके इस कंडीशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी टी से ठीक है अब हमने नंबर स्टार का यूज़ किया नंबर स्टार में जी टी और एफ टी की वैल्यू क्या थी एफ टी टी ठीक है तो डी और FT की वैल्यू एफ डैश टी पुट कर दी तो क्या बना एफ डैश टी ओवर FT टी लेस देन इक्वल टू जी उसके बाद यहाँ तक हो गया अब हमने क्या किया इस इनक्वालिटी को इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम टी नॉट टू T ठीक है जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये वाली बन जाएगी टर्म्स ओके जब देखिए अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि तो यहाँ पर एफ टी है और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है ठीक है तो हमको पता है कि इस तरह की यदि कंडीशन हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ टी ही आ जाता है ठीक है लॉग ऑफ जिस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो वो वाली टर्म्स मीन्स एफ टी आ जाएगा यहाँ पर लिमिट्स हैं जो टी नॉट से टी तक हैं तो हमने जब इसको खोला तो हमारे पास बनेगा लॉग ऑफ एफ टी माइनस लॉग ऑफ एफ टी नॉट देन इज इक्वल टू ये वाली टर्म इसी तरह ही रहेगी ठीक है लोग ऑफ एफ टी और एफ टी नोट की वैल्यू को हमको पता है कि ये इसकी वैल्यू के थी तो हमने यहाँ पर के पुट कर दिया लेस देन इजकअल टू ठीक है बाकी सारा कुछ वैसे ही है अब लोग ऑफ के को इस तरफ शिफ्ट किया तो लोग ऑफ एफ टी लेस देन इजकल टू लोग के प्लस इस तरह बन जाएगा ओके तो लोग ऑफ एफ टी देन इजकल टू लो के लेकिन अब हमको चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में चाहिए तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसका कोफ़िशंट वन है वन है तो हम इसको लोग E क्योंकि हमको पता है लोग को, लोग और हमने इसको लोग of of इस तरह लिख लिया। अब हमको पता है, कि लोग क्या होता है? लोग तो पर लगा, लगाएंगे तो क्या बनेगा ना यहाँ से लॉग और लॉग कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा लेकिन जो नंबर वन था ठीक है फर्स्ट इनक्वालिटी थी उससे हमें पता है कि स्मॉल एफ टी लेसन इजल टू के प्लस टी नॉट टू टी जी एस एफ एस टी जी वाला होता है लेकिन इसकी वैल्यू तो हमने एफ टी कैपिटल एफ टी स्पोज कर ली थी जो कैपिटल एफ टी के है इसका मतलब क्या हुआ जो स्मॉल एफ टी है वो लेस देन कैपिटल एफ टी से होगा ठीक है लेकिन कैपिटल एफ टी फर्दर इससे लेस देन है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल एफ टी है वो भी इससे लेस होगा तो हम कहेंगे कि स्मॉल एफ टी लेस इजकल टू के टाइम एक्सपोनशियल ऑफ डी नॉट टू टी जी एस डी एस यही तो हमने इस ग्राउंड वाली इनक्वालिटी में प्रूफ करना था जो हमने कर दिया तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग